जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वारो, रविवार का दिन 6 फरवरी, साध योग रेपति नक्षत्र, शाम 5:10 तक बृहस्पति और बुध का प्रभाव, उसके उपरांत अश्वनी नक्षत्र का उदय होगा मंगल और केतु के प्रभाव के साथ। आज ये बृहस्पति बुध केतु का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल शनि शुक्र की दृष्टि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बृहस्पति बुध और केतु का प्रभाव, बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग बना रहा है। आज चंद्रमा शाम 5:10 पर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में उदय होगा, जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न में होगा। आज बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जबकि बुध का गोचर आपकी कुंडली के सुख स्थान में है। आज केतु आपकी कुंडली के धन स्थान में गोचर कर रहा है। तुला राशि वालों, आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी, जिसके कारण आपके काम बिगड़ रहे थे, जिसके कारण आपके जीवन में उन्नति के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे थे, मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा था, अब आपके जीवन में खुशी मनाने का समय आ गया है। क्योंकि आज आपकी कुंडली में रेपति नक्षत्र का स्वामी बुध और बृहस्पति का प्रभाव प्रबल है। बुध आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, जबकि बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान का स्वामी है। आज बुध स्थान का स्वामी आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठा है और आज आपके पराक्रम स्थान का स्वामी बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में। आज आपके जीवन में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आज आपके जीवन में लाभ का अवसर आएगा। आज आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी का योग बनेगा। क्योंकि आज आपकी कुंडली में बुध और बृहस्पति का प्रभाव बहुत सारे अवसर को लेकर आएगा। आज का दिन अवसर से भरा हुआ रहेगा। कार्य क्षेत्र व्यापार में आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। यह समय आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाएगा, लाभ का अवसर आपके सामने लेकर आएगा। आज आपके परिवार में खुशियों का वातावरण होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता होगी। कार्य क्षेत्र और व्यापार में आपके मन में जो आशंका थी, जिसको लेकर आप सावधानी बरत रहे थे, आपके जीवन में जो समृद्धि और सौभाग्य का योग बनते बनते बिगड़ जाता था, आज आपके जीवन में ऐसा समय आया है, जिस भी कार्य का आरंभ करेंगे आज आपको उसमें बड़ा लाभ होगा। क्योंकि आपकी कुंडली में आज बृहस्पति बुध केतु का प्रभाव है। केतु आपकी कुंडली के धन स्थान में गोचर कर रहा है, जबकि बुध आपकी कुंडली के सुख स्थान में और बृहस्पति पंचम भाव में। जब पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर होता है तो आपके जीवन में अच्छे काम होते हैं, आपका दिन खुशनुमा होता है, मन प्रसन्न होता है और बिना अटके आपके कार्य बनते हैं। आपके जीवन में लाभ का अवसर सामने आता है और मनचाही सफलता मिलती है। मेहनत से किया गया कार्य शुभ परिणाम लेकर आता है, जबकि बुध जो सुख स्थान में गोचर कर रहा है। सुख स्थान में जब बुध का गोचर होता है, बुध आपके लिए भाग्य स्थान का स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र और व्यापार में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, आप धन भी कमाते हैं, नई नई योजना पर कार्य भी करते हैं और आपका प्रभाव सभी को प्रभावित करता है। आपके जीवन में खुशियों का वातावरण बनता है, कुछ नई जिम्मेवारी आपको प्राप्त होती है, अपनी जिम्मेवारी का आप निर्वहन करते हैं और अपने समस्याओं पर विजय प्राप्त करते हैं।
यानी आज मुश्किल कार्य भी आसानी से आप पूरा करेंगे, आज आप अच्छा निर्णय लेंगे, आज आगे बढ़ने का साहस और हिम्मत आप में होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के धन स्थान में केतु बैठा है। जब केतु धन स्थान में गोचर करता है तो आपके जीवन में बड़े बदलाव होते हैं, आपके जीवन में किसी नए कार्य की आरंभ होती है और उस कार्य से आप बहुत धन कमाते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में मंगल और शुक्र बैठा है। मंगल और शुक्र, मंगल जहां आपके जीवन में साहस ऊर्जा का संचार करता है, वहीं शुक्र आपके जीवन में शुभ स्थिति का निर्माण करता है। आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का उदय हुआ है। जब चंद्रमा का उदय सप्तम भाव में होता है तो चंद्रमा अपनी दृष्टि से लग्न को देखता है, यानी आपके अंदर चतुराई से कार्य को पूरा करने का साहस होगा, अच्छा धन लाभ कमाएंगे, सफल और सिद्ध होंगे, यानी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का उत्तम योग, मान सम्मान की प्राप्ति, खुशियों का अवसर आपके जीवन में आएगा। साथ ही साथ आज अपने कार्य के प्रति आप काफी सजग रहेंगे, हर काम को सोच समझ कर करेंगे, बुद्धिमानी से करेंगे, आपके लिए बड़ा लाभ का अवसर मिलेगा। ऐसे समय में आप धन भी कमाते हैं, मान सम्मान भी पाते हैं। आज ये आपके परिवार में खुशियों का माहौल होगा, ये जो खुशी है वो चंद्रमा के इस कारण आपको प्राप्त होगा। परिवार का सुख है, आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा और खुशी का माहौल बनाएगा। जबकि आपके जीवन में धन समृद्धि मंगल और केतु के कारण प्राप्त होगा। आज आपके जीवन में सुख भी बढ़ेगा, नया जोश नया उत्साह आपके मन को सुंदर बनाएगा, आप भाग्यशाली बनेंगे और आपके जीवन में भरपूर उन्नति तरक्की का योग बना रहा है। आज ये रेपती नक्षत्र है, रेपती नक्षत्र में बुध नक्षत्र का स्वामी होता है, जो आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। जब भाग्य स्थान का स्वामी सुख स्थान में बैठता है तो आपके लिए उन्नति तरक्की का योग बनाता है, आपके लिए भरपूर खुशियां लेकर आता है, जिससे आपका दिन शानदार होता है, आप जीवन में खूब मौज मस्ती करते हैं, खुशियों का माहौल होता है, क्योंकि आप धन कमाते हैं, जीवन में उन्नति करते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, बड़ी सफलता दिलाने वाला आज का योग आपके लिए बड़ा शुभ है, जो आपके जीवन में आपको तेजी से आगे बढ़ाएगा, जो आपके मन में विश्वास पैदा करेगा कि आप सफल हो सकते हैं, सफलता आपको प्राप्त होगी, उमंग उत्साह जीवन में मन के मुताबिक आपके काम पूरा करेगा। साथ ही आज आपकी खुशियों को चार चांद लगेगा, यानी वैवाहिक जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा, जहां प्यार भी होगा, जहां सुख भी होगा, जहां आपके काम से प्रभावित होकर आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, यानी आज आपका मन बड़ा खुश रहेगा, बेहतर योग है, सुंदर समय है, आपकी मेहनत रंग लाएगी, जीवन खुशियों से भरा होगा, नए नए अवसर जीवन में एक नई शुरुआत करेगा। यानी आज का दिन आपके लिए एक तरफ तो अच्छे रिश्ते होंगे, दूसरी तरफ खुशी का माहौल होगा, तीसरी तरफ आपकी तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। 6 फरवरी रविवार का दिन, माघ मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, साध योग रेपती नक्षत्र शाम 5:10 तक, उसके बाद अश्वनी नक्षत्र का उदय होगा। रेपती नक्षत्र में बृहस्पति और बुध का प्रभाव रहेगा, जबकि अश्वनी नक्षत्र में मंगल और केतु का। आज चंद्रमा शाम 5:10 पर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में उदय होगा। आज आपकी कुंडली में बृहस्पति बुध केतु का प्रभाव है, मंगल शनि शुक्र की दृष्टि राहु की छाया है। आज आपकी कुंडली में
बुध, बृहस्पति और केतु आपको धन कमाने वाला सौभाग्य देगा। आज विजय प्राप्त करने वाला सुंदर योग आत्मविश्वास से भरपूर आज का दिन साहस और चतुराई से समृद्धि और सुख पाने का समय है। आज आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होगा। अपनी महत्वाकांक्षा अपने स्वाभिमान के साथ आप पूरा करेंगे। मान सम्मान पाएंगे। जीवन की ऊंचाइयों को आप छू सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में ये जो सुंदर योग है शुभ फल देगा। आज आप अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। घर का माहौल खुशनुमा होगा, साथ ही दांपत्य जीवन में भरपूर सुख मिलेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। जीवन का सुख और जीवन में लाभ दोनों आपको प्राप्त होगा। लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे। तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और आने वाला समय भी आपके लिए बेहद शुभ और सुंदर होगा क्योंकि आज का दिन कार्य क्षेत्र नौकरी व्यापार में आपके जीवन में लाभ का योग है जो आपकी परेशानी को दूर करेगा, जीवन की बाधाओं को दूर करेगा। आज अपनी वाणी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, मेहनत से काम करें तो आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आज आपके जीवन में खूब सारा धन मिलेगा। आज आपके जीवन में जो लाभ और उन्नति होगा वो खुशियों का वातावरण आपके जीवन में बनाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। उन्नति से भरा आज का दिन समृद्धि सौभाग्य लेकर आएगा। तुला राशि वालों, आज दिन की शुरुआत सुबह 5:22 से 6:14 ब्रह्म योग में रेपती नक्षत्र में बुध के प्रभाव से दिन की शुरुआत होगी। रेपती नक्षत्र का स्वामी बुध जो आपके भाग्य स्थान का स्वामी है सुख स्थान में उदय हुआ है। जब सुख स्थान में बुध का गोचर करेगा तो अपने भाग्य से लाभ का अवसर पाएंगे। दिन की शुरुआत अच्छी होगी। जीवन के कष्ट दूर होंगे। मन में उत्साह, जीवन में सुख, धन का लाभ, आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का साहस आज आपके अंदर पैदा होगा जिससे आपके जीवन में वैभव विलास की प्राप्ति होगी। सुख धन सौभाग्य का योग बनेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57 का समय जब आपकी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव होगा। बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है। अभिजीत मुहूर्त में 12:13 के बाद आपको जीवन की खुशियां मिलना आरंभ हो जाएगा। परिवार जन के साथ सुखी जीवन, सुंदर जीवन आप व्यतीत करेंगे। मन में उत्साह और आगे बढ़ने की इच्छा। विजय मुहूर्त 2:25 से 3:09 का समय मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा क्योंकि केतु का प्रभाव होगा। केतु आपकी कुंडली के धन स्थान में बैठा है जो आपकी परेशानी को दूर करेगा और आपके लिए उन्नति का योग बनाएगा। केतु के प्रभाव से सोच समझकर आप काम करेंगे। बेहतर उम्मीद है कि आपके मन चाहा काम पूरे होंगे और आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद अमृत काल बनेगा 2:40 से 4:20। अमृत काल में आप जीवन में सुखों का भोग करेंगे। अमृत काल में आपके प्रयास अच्छा अवसर लेकर आएगा। आत्मविश्वास भरपूर होगा। समय का भरपूर उपयोग करेंगे और आपके लिए उन्नति तरक्की का योग बनेगा। ये समय आपके जीवन में मेहनत का परिणाम लाएगा। आपके जीवन में सुखों का भोग, उन्नति का योग, मेहनत का फल देगा। सर्वात सिद्धि योग शाम 5:10 से 7:06 यानी आपके जीवन की दिक्कतें दूर होगी। सर्वात सिद्धि योग में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। मन की चिंता समाप्त होगी और आपके जीवन में तरक्की समृद्धि का योग बनेगा। आपको अच्छे फल मिलेंगे और आपके जीवन में प्यार की शुरुआत होगी। आपके जीवन में उन्नति का योग है। परिवार में समृद्धि और खुशियां बढ़ेगी। बच्चों का भाग्य उदय होगा। रवि योग जो 7:06 से आरंभ होगा इसमें आपके जीवन की कष्ट बाधा दूर होगी और आपके जीवन में समृद्धि सौभाग्य का सुंदर योग आपके भाग्य को चमकाएगा, आपकी किस्मत में समृद्धि और सुखों को बढ़ाएगा। सात योग है, रेपती नक्षत्र है, बृहस्पति बुध केतु का प्रभाव है। आज का राहु काल शाम 4:42 से 6:04 तक। राहु काल के दौरान
किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें, आज आपके जीवन की सारी परेशानी दूर होगी। बृहस्पति बुध केतु का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल शनि शुक्र की दृष्टि है। दिन की शुरुआत पश्चिम दिशा की तरफ से ना करें। आपके लिए लक्की कलर ग्रीन है, लक्की नंबर 8 है। तो आज तुला राशि वालों के लिए सौभाग्य सुख लाभ का योग, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से भाग्य बदलेगा, हनुमान जी के आशीर्वाद से किस्मत चमकेगी, हनुमान जी के आशीर्वाद से महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे और हनुमान जी के आशीर्वाद से ही आपके जीवन में अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। आज दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है, जो आपके जीवन में खुशी धन लाभ का योग बनाया है, आपके जीवन में सौभाग्य सुख लेकर आया है। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय।